सूप हम सभी को बहुत पसंद है और आज हम बनाएंगे ब्रोकली आलमंड सूप। हाय एंड वेलकम टू बिंगो फूड बुक। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। तो पहले ब्रोकली को ब्लांच कर लेना है, उसके लिए 2 कप बॉइलिंग वाटर में लेंगे 1/4 कप जितना ब्रोकली स्टेम्स, थोड़ा नमक और इसे 4 से 5 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। स्टेम्स को कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो थोड़ा कुक होने के बाद हम 200 ग्राम ब्रोकली फ्लोरेट्स ले लेंगे और अब इसे भी 3 से 4 मिनट तक बॉईल होने देंगे। ब्रोकली अच्छी सॉफ्ट हो गई है तो अब इसे स्ट्रेन करके ठंडा होने देंगे। अब स्ट्रेन करके जो पानी बचा है इसे हम सूप बनाने में बाद में यूज़ करेंगे, तो इसे साइड पे रख देंगे और सारे ब्रोकली और स्टेम को ठंडा होने के बाद मिक्सचर जार में ले लेंगे। फिर इसमें 10 से 12 ब्लांच किए हुए बादाम लेंगे। बादाम ब्लांच करने के लिए उसे बॉइलिंग वाटर में डालकर बस 2 मिनट तक रहने देना है और फिर बादाम को पानी से निकाल कर उसका कवर अलग कर लेना है। अब लेंगे 1/2 टीस्पून सौंठ पाउडर, 1/2 कप दूध, फिर जो ब्रोकली का पानी बचा था जिसे हम वेजिटेबल स्टॉक बोलते हैं वो अराउंड 1 कप जितना ऐड करेंगे। अब इसे एकदम स्मूथ ग्राइंड कर लेना है। मिक्सर ग्राइंड करके रेडी है और इसे पीसते वक्त मैंने अराउंड 1/4 कप जितना पानी लिया था, तो आप भी अपनी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी ले सकते हैं। अब इसे एक कढ़ाई में स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने से सूप का टेक्सचर एकदम स्मूथ और अच्छा आता है। अब गैस ऑन करके मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे। फिर उसमें नमक, 1 टीस्पून चॉप किया हुआ सैलरी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे और 2 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। सूप की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें पानी डालकर पतला कर सकते हैं। हमारा सूप रेडी है, अब इसे सर्व कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा फ्रेश क्रीम, थोड़े आलमंड फ्लेक्स और थोड़ा काली मरी से गार्निश कर लेंगे। सूप रेडी है, जल्दी मिलते हैं नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।